वहीं उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में भी कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। कनाडा से लखनऊ आई महिला डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। कनाडा से मुंबई होते हुए लखनऊ पहुंची थी यह महिला डॉक्टर। केजीएमयू के आइसोलेशन वार्ड में अब इस महिला डॉक्टर को भर्ती करा दिया गया है। इसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। राजधानी लखनऊ में 5 लोगों में स्वाइन फ्लू की भी पुष्टि हुई है। स्वाइन फ्लू के सभी मरीजों को घर पर ही रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। जनवरी से अब तक राजधानी लखनऊ में स्वाइन फ्लू के भी 42 मामले सामने आ गए हैं। इसके अलावा विश्व भर में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। भारत में भी अब तक कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 60 के पार जा पहुंचा है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना से संक्रमित पहले मरीज की भी पुष्टि हो गई है। केजीएमयू के लैब में जांच की गई, इसके बाद इसकी पुष्टि की गई और इस महिला मरीज को जो एक डॉक्टर बताई जा रही है केजीएमयू में ही आइसोलेट कर दिया गया है। नीलेश चौहान हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। पहले मैं नीलेश का रुख करना चाहूंगी। नीलेश, राजधानी लखनऊ में पहली महिला मरीज कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट सामने आई है उसकी पुष्टि हो गई है। केजीएमयू से आइसोलेट कर दिया गया है और क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है, किस तरह से उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है और इस वायरस को लेकर फिलहाल वहां पर किस तरह का दहशत का माहौल बना हुआ है लोगों के बीच? देखिए, अगर हम लखनऊ की बात करें तो कोरोना वायरस को लेकर लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मास्क का उपयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। उसके अलावा होली का त्यौहार चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोग जब आपस में मिलते हैं तो उनसे दूर रहकर बात करते हैं, हाथ मिलाने से कतराते हैं। इन तमाम चीज़ों का भय जो है लोगों के मन में व्याप्त हो चुका है। जिस तरीके से चीन से शुरू हुआ ये कोरोना वायरस, अब उसके बाद अब WHO ने भी ये कह दिया है कि ये अब एक महज वायरस नहीं बचा है, ये महामारी का रूप ले चुका है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो कनाडा से एक डॉक्टर लखनऊ लौटी थी वापस, उसकी उनकी जो है स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर की गई थी। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद उनके जो नमूने हैं केजीएमयू लैब भेजे गए थे, जहाँ पर उसकी चेकअप किया गया। जब चेकअप किया गया तो चेकअप के दौरान पाया गया कि जो महिला डॉक्टर हैं वो कोरोना वायरस से पीड़ित है। तो कहीं ना कहीं अब लखनऊ में ये पहला जब मामला निकल कर सामने आया है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर और भय व्याप्त होगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार लखनऊ के अंदर सक्रिय हैं और एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, उन तमाम जगहों पर लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गई हैं। एम्बुलेंस को तैनात किया गया है जहां पर कहीं से कोई बाहर से, यानी कि आगरा से फिलहाल 7 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें पुष्टि हुई है। गाजियाबाद, नोएडा से एक एक और अब लखनऊ में भी एक मरीज की पुष्टि हो गई है। ब्रजेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए। ब्रजेश, जिस तरह से कोरोना वायरस अपने पैर पसारता जा रहा है, WHO ने भी कह दिया है कि अब ये सिर्फ एक वायरस नहीं रह गया है बल्कि ये महामारी का रूप ले चुका है, ऐसे में क्या कहा जाए? पैनिक के माहौल से सबसे पहले लोगों को बाहर निकालना होगा, उसके बाद फिर उन्हें जागरूक करते हुए ट्रीटमेंट के आगे फॉरवर्ड करना होगा, फिर आगे प्रोसीजर को बढ़ाना होगा। फिर देखिए शिल्पा, सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में पूरी दुनिया में 4000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है कोरोना वायरस, और अगर देखा जाए तो लाखों लोग इससे इफेक्टेड हैं, दुनिया के तमाम मुल्क इससे पीड़ित है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी महामारी के तौर पर जो है, एक जानलेवा महामारी के तौर पर जो है ये वायरस अब फैल चुका है, और यही वजह है कि WHO ने इसको महामारी साबित किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश या फिर देश के भारत की बात किया जाए तो भारत में भी धीरे धीरे करके ही ये पैर पसारता जा रहा है। 60 पॉजिटिव केस देश में आ चुके हैं और यही वजह है कि सरकार ने अब विदेश यात्राओं पर, खास करके विदेश से आने वाले लोगों पर जो है उनके वीजा 15 अप्रैल तक कैंसिल किए, क्योंकि अभी तक देखा गया कि जितने भी केसेस 60 केस जो भी पॉजिटिव आए हैं उसमें से सभी ने या तो विदेश यात्राएं की थी या तो विदेश यात्राओं से लौटने वाले लोगों के संपर्क में आए थे। ऐसे में क्योंकि भारत में ये कम से कम फैले, इसका विस्तार कम से कम हो, लेकिन ब्रजेश तमाम प्रयास देखे भी जा रहे हैं, तमाम तरह की तरीके अपनाए जा रहे हैं कोरोना वायरस से लेकर इससे बचाव को लेकर, इससे निपटने को लेकर, इसको लेकर लोगों को अंदर जागरूकता फैलाने को लेकर, फिर भी इस पर लगाम नहीं लग पा रही है, फिर भी इस तरह से विकराल रूप लेता चला जा रहा है। शिल्पा, अगर दुनिया के दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें तो भारत में इसके फैलने की तीव्रता सबसे कम है, यानी भारत सरकार या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका थोड़ा सा क्रेडिट जरूर देना होगा कि समय रहते ही चीजों को जो है अभी लोगों को जागरूक कर पाने में या फिर स्थिति को कंट्रोल कर पाने में अभी तक फिलहाल सरकार कामयाब रही है। अभी तक महज 60 इफेक्टेड लोग ही इस देश में मौजूद है, इसीलिए सरकार प्रिकॉशनरी मेजरमेंट ले रही है। तमाम विदेश से आने वाले तमाम वीजा को कैंसिल कर दिया गया ताकि अगर विदेश से आने वाले लोग कम से कम यहाँ आएंगे तो इफेक्ट
इन्फेक्टेड भी कम से कम लोग होंगे, तो ये भी कोशिश की जा रही है और इसी के तहत एडवाइजरी भी जारी की है, जरूरी ना हो तो आप विदेश यात्रा ना करें जो है। तो कुल मिलाकर कोशिश की जा रही है कि एक तो विदेश से आने वाले लोगों को रोका जाए ताकि इसका वायरस का असर कम से कम हो, और दूसरा जो यहाँ पर जितने लोग इन्फेक्टेड हैं उनको किसी तरीके से आइसोलेट किया जाए जो है, तो वो एक आगे और है। क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं ब्रिजेश, जिस तरह से स्कूल्स तो बंद कर दिए गए, क्या कॉलेजेस को भी बंद किया जाएगा, क्या थिएटर्स पर भी रोक लगाया जाएगी कुछ समय के लिए? देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से इसका प्रभाव बढ़ रहा है उस तरीके से सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कम से कम जुटे ये कोशिश सरकार की है और इसी के तहत लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। इसी के तहत सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अगर आप जाइए तो बाकायदा प्रिकॉशंस लेकर के जाइए, पूरी सेफ्टी के साथ जाइए और जरूरी ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले, या फिर अगर आप जाए तो पूरी सुरक्षा के साथ जाए। तो कोशिश यही है पूरी तरीके से कि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक, क्योंकि जागरूकता ही अब इस महामारी का विकल्प बचा है, उसके सिवा और कोई विकल्प फिलहाल दिखाई देता नहीं, क्योंकि इसका कोई अभी तक टीका इजाद नहीं किया जा सका और यही वजह है कि अब तक कोई टीका इसका नहीं बनवाया जा सका और जागरूकता ही एकमात्र विकल्प इस समय नजर आता है। नीलेश, वहां लखनऊ में इसके तहत एक पॉजिटिव मामला सामने आ गया है, क्या कुछ तेजी देखी जा रही है, क्या कुछ और तरीके अपनाए जा रहे हैं अब लोगों को जागरूक करने को लेकर, कैसे इससे बचा जाए? कि अगर लखनऊ की हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री लगातार जो है अब टीमें बनाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो मंडलायुक्त है मुकेश मेश्राम वो लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। सिविल अस्पताल की बात करें या फिर हम बलरामपुर अस्पताल की बात करें, KGMU की बात करें या लोकबंधु की बात करें, इन तमाम अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं जहाँ पर जो संदिग्ध पाए जाने वाले जो कोरोना के मरीज हैं उनको वहाँ पर ले जाया जाता है, वहाँ पर उनका सैंपल लिया जाता है जिसका उसके बाद जो है लैब में टेस्ट किया जाता है। अगर कोई मरीज पीड़ित पाया जाता है कोरोना वायरस से तो तत्काल उनको वही उसी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कोरोना वायरस की तो डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के अंदर निगरानी रखी जा रही है कोरोना वायरस को कैसे रोका जा सके, कैसे बचाव किया जा सके, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सके। तो अगर हम डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी की माने तो साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर कोरोना वायरस से हमको लड़ना है तो साफ तौर पर पहले हमको खुद को जागरूक करना होगा, मास्क लगाना होगा और समय समय पर लगातार साबुन से हाथ धोना होगा या सैनिटाइजर से हाथ धोना होगा। इन तमाम चीज़ों को दिशा निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं। उसके अलावा अगर हम लखनऊ की बात करें तो विशेष सतर्कता रखी जा रही है, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट पर लगातार जो है देखा जाता है कि देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वो घूमने वाले लोग हों या फिर बाहर गए हुए लोग हों, उनकी स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पर टीमें तैनात की गई है, करीब 8 डॉक्टरों की टीम है। उसके अलावा 16 जो है पैरामेडिकल स्टाफ को वहाँ पर तैनात किया गया है, एक एम्बुलेंस एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद रहती है, अगर कोई बाहर से विदेश से आने वाला यात्री है या लखनऊ का निवासी है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, फिर उसको अस्पताल ले जाया जाता है, वहाँ पर उसके जाँच की जाती है, जाँच के नमूने लैब भेजे जाते हैं, अगर लैब में कुछ उसके नमूने में संदिग्ध दिखता है तो तत्काल उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाता है। उसके अलावा अगर हम लखनऊ की खासतौर पर बात करें तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हैं, सीएमओ नरेंद्र अग्रवाल भी लगातार जो है एक के बाद एक तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कोरोना वायरस को लेकर, लगातार लोगों को जागरूक करने की अपील भी करते हैं। तो निश्चित रूप से लखनऊ की अगर हम बात करें, एक मरीज तो सामने आया है लेकिन लखनऊ में लोगों को जागरूक करने का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात करें या स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों की बात करें, तमाम लोग लगातार जनता के संपर्क में बने हुए हैं और जनता को लगातार कोरोना वायरस से जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है सिर्फ 2.5 लोगों को ही इफेक्ट करता है, और अगर दूसरे वायरसों की हम बात करें, चाहे वो वर्ल्ड फ्लू वाला वायरस हो या फिर दूसरे वायरस हो, उनकी जो सामने आए हैं ऐसे में और ज्यादा लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, कोरोना से भी अपने आप को बचाकर रखिए और स्वाइन फ्लू से भी। बहुत शुक्रिया आपका नीलेश शाह हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।